अस्सलामुअलैकुम। आज मैं चिकन रोस्ट की रेसिपी आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो कि मैं ये 1 kg चिकन ली हूँ, जिसको धोकर मैं पानी इसका सारा निकाल ली हूँ। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 teaspoon, और ये हो गया 2 teaspoon। थोड़ा सा और मैं और ऐड कर दूंगी क्योंकि 1 kg है, और ये मैं थोड़ा सा अदरक का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और 1 teaspoon या फिर जरूरत के हिसाब से आप नमक इसमें ऐड कर दीजिएगा। ये फर्स्ट मैरिनेशन हो रहा है हमारा, और ये हाफ नींबू हम इसमें ऐड कर देंगे। ये मैं नींबू डाल दी, अब इसे मैं मिक्स करके इसको 1 घंटा हम इसका मसाला, नमक, लहसुन अदरक, नींबू को इसमें पीने दूंगी ताकि ये अच्छा सा इसका मसाला अब्सॉर्ब कर ले। 1 घंटे के बाद दूसरी मैरिनेशन होगी। ये मैं मिक्स कर ली हूँ इसे, मैं 1 घंटा के लिए अब इसे रख देती हूँ ढक्कन बंद करके। ये देखिए हमारा 1 घंटा हो गया है, अब हम इसमें दूसरी मैरिनेशन कर देते हैं। इसमें हम नमक लहसुन सब डाले थे, वो अच्छा सा इसमें कोट हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 teaspoon धनिया पाउडर, और 1/2 teaspoon जीरा पाउडर, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, 1 teaspoon है हमारे पास मिर्ची पाउडर जो कि कूटी हुई है, 1 गरम मसाला पाउडर हम डाल दिए 1 teaspoon, और थोड़ा सा हम कलर ऐड कर दे रहे हैं रेड फूड कलर। ये देखिए थोड़ा सा, और 1 teaspoon हम इसमें दही ऐड कर देंगे, 1 full teaspoon हो गया। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लिए हैं, अच्छा सा हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा कसूरी लीव्स हम इसको क्रश करके ऐड कर देंगे, और अरारोट हम ऐड कर दे रहे हैं 4 teaspoon हो गए ये, थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, और हम 1 अंडा हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अंडा। अब हम इसको भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि इसका मसाला जो है चिकन पर अच्छा सा कोट हो जाए। ये देखिए हमारा अच्छा सा ये मैरिनेट हो गया, पूरा मसाला अच्छा सा चिपक गया है। जो इसमें पानी का अंश था वो भी अरारोट की वजह से पूरा अच्छा सा ड्राई हो गया है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हम कढ़ाई में तेल ऐड कर दिए, ये हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1-1 करके चिकन के पीसेस को ऐड कर देते जाते हैं। हमारा चिकन का पीसेस ऐड हो गया है, एक और मैं इसमें ऐड करूंगी। देखिए हमारा कढ़ाई में जितना आया हम उतना ऐड कर दिए हैं इसमें। अब इसको 10 मिनट तक हम इसे ऐसे पकने देंगे, उसके बाद हम इसके पलट लेंगे। ये देखिए धीमी आंच में पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे पलट लेंगे। हाई फ्लेम में हम नहीं पकाएंगे क्योंकि ऊपर से पक जाएगा और अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा। हम पलट लेते हैं इसे। ये देखिए दूसरी तरफ से भी हमारा पक गया है। एक्स्ट्रा क्रिस्पी के लिए हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे, जब तक के लिए हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हम निकाल लिए हैं। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से क्रश करते जाएंगे ताकि हमारा दोबारा फ्राई होने में अच्छा सा क्रिस्पी बने। ये अब मैं खूब हीट तेल कर ली हूँ, 5 मिनट हो गया हमारे चिकन को फ्राई किए हुए। ये देखिए हमारा पानी थोड़ा थोड़ा इसमें से रिलीज हुआ है। अब हम इसको ऐड कर देंगे तेल।
घी में सारा डाल दिए। अब इसे दो मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे बिल्कुल हाई फ्लेम पर। ये हमारा हो गया, अब हम इसको निकाल देते हैं। ये देखिए हमारा सुपर यम्मी चिकन रोस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ में प्रेजेंटेबल लगने के लिए ये हरी मिर्च और मूली और नींबू धनिया पत्ती के साथ सर्व कर रही हूँ। या आप जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।